आज हमारी तराइया इन मोबाइलों ने बर्बाद किया है। बड़े बड़े मोबाइल हर घर के अंदर, हर औरत के पास, हर लड़की के पास, ये सबसे बड़ा फितना है आज दुनिया का। ये बड़ा मोबाइल, ये टच मोबाइल, ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी बुराई का जरिया है। सारी दुनिया की गंदगियां, सारी दुनिया का कूड़ा, सारी दुनिया का कचरा और सारी दुनिया की गलासत इन मोबाइलों के अंदर भरी भरी है, जो आपके हाथों में है, जो रातों के अंदर आप चलाकर और नाटक देखती हो और बेहयाई की चीजें देखती हो कि इनमें हमारी तैयारियां गुजरती हैं, रातें इनमें गुजरती है, हमारी इन मोबाइलों में गुजरती है, गेम खेलने में गुजरती है, नाटक देखने में गुजरती है। ये टेलीविजन से भी ज्यादा खतरनाक है, टीवी से भी ज्यादा खतरनाक है। कोई आदमी ये कहे कि हमारे घर में टीवी नहीं है और उनके घर में मोबाइल है, ये समझो सबसे बड़ा टीवी है। तो इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत गलत हो चुका है, इनका इस्तेमाल बहुत गलत होता जा रहा है। हर एक के हाथ, बच्चे बच्चे के हाथ में हुआ है, ये जवान बर्बाद क्यों हुए, बेहयाई क्यों आम हुई है इन मोबाइलों के वजह से, इन मोबाइलों के वजह से गलत ताल्लुकात, गलत ताल्लुकात पैदा हो रहे मोबाइलों के वजह से। माँ बाप कोई पहचान नहीं, औलाद पर कोई नजर नहीं कि मेरी जवान लड़की क्या कर रही है, मेरी जवान लड़की किससे बातें कर रही है, मेरी जवान लड़की के हाथ में मोबाइल है क्या कर रही है, मेरे जवान लड़के के हाथ में मोबाइल है क्या देख, क्या देख रहा है, कोई इसकी परवाह नहीं। तो ये सारी बुराइयों की जड़ है, जड़ ये वो बुराइयां है। तो इनकी तनाइयां क्या थी, अल्लाह की इबादत में मुसल्ले पर, हजरत आजा मुसल्ले पर खड़ी होती थी, पूरी पूरी रात गुजर जाती, जब सुबह का चांदना होता था, सुबह की रोशनी होती थी, आहें निकलती थी आए कि रात लंबी हो जा, अभी तो और इबादत करनी है, अभी तो और अल्लाह से बातें करनी है। मुसल्ले पर पूरी पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देती थी, आज तो फर्ज नमाज की तो, आज तो अल्लाह माफ करे फर्ज नमाज की तो, हालांकि मैं अरे कोई आसमान से नहीं उतारी गई, ये इस इंसान की बच्चियां हैं, इस इंसान की बच्चियां हैं, इनकी जिंदगी ऐसी बनी थी। आज इसका कोई एहसास, कोई फिक्र ही नहीं कि मेरी जिंदगी कहां गुजर रही है। इसलिए मोहतरम दीनी, हम अपने आप को संभाले, ईमान और अमल पर अपनी जिंदगी को लेकर आए, अखलाक को संभाले, बच्चों को